सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हिमावर ये फ्लावर पॉट बना रही होती है, वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है उसको बनाने के लिए। तो वहाँ पे अचानक से बोल्टो आता है और वो देखता है कि हिमावर आज किसी काम में लगी हुई है। तो वो बोलता है, हिमा आज तुम काम कर रही हो कोई इतनी मेहनत से, मैंने तुम्हें पहले कभी दिखाई नहीं है। तो हिमावरी बोलते हैं, बिग ब्रदर प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। तो बोल्टो वहीं पे खड़ा हो जाता है और हिमावरी अपने फ्लावर पॉट को कंप्लीट कर लेती है। फिर बोलते हैं, बिग ब्रदर देखो देखो ये कैसा लग रहा है, मॉम को पसंद आएगा ना। तो बोल्टो बोलता है, हाँ ये बहुत ज्यादा क्यूट है लेकिन तुम मॉम के लिए बना रही हो। तभी उसे अचानक से याद आता है कि हिनाटा का बर्थडे आने वाला है। तो बोलता है कि मॉम का बर्थडे आने वाला है ना। तो हिमावरी बोलते हैं, हाँ इसीलिए तो मैं तैयार कर रही हूँ, आपने कोई गिफ्ट्स के बारे में सोचा है मॉम के बारे में? तुम लोग कहते हैं बोल्टो उसके बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए आ जाता है। तो बोल्टो बता इसकी बताता है कि कोनोमारो सेंसे जो है वो हमसे हमारे साथ मिशन पर नहीं जाएंगे कल से, क्योंकि उनको एक अर्जेंट मिशन पर जाना है। तो शारदा बोलती है, अच्छा तो चलो मैं लीड करूंगी टीम 7 को, अब मेरी जिम्मेदारी है तुम लोगों का ध्यान रखने की। तो बोल्टो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, अपने आपको ज़्यादा दादा मत समझो, डॉन नहीं हो तुम किसी चीज़ की। तो शारदा हंसने लग जाती है और बोलते हैं, बोल्टो तुम्हारी एक्शन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी मैं, तुम्हें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। और वो लोग हंसी मजाक करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो बोल्टो रस्ते में देखता है कि एक लड़की फूल का गुलदस्ता लेके जा रही होती है। तो बोल्टो बोलता है, क्या ये मॉम को मैं ये गिफ्ट दे सकता हूँ? तो ये बोल्टो की नज़र मुजीनो में पड़ती है जो कि भाग रहा होता है। तो बोल्टो को लगता है शायद मुजीनो कोई मिशन कर रहा है। तो बोल्टो भी उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है, मिस्टर मुजीनो आप किसी का पीछा कर रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मुजीनो बोलता है, बोल्टो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, मैं कोई टॉप सीक्रेट मिशन पे हूँ, तुम्हें पता करने की जरूरत भी नहीं है। तभी हम लोग अचानक से दो दुकानदार वहाँ पे आ जाते हैं और मुजीनो को बोलते हैं, आज तुम्हें मेरा हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। तो मुजीनो बोलता है, प्लीज मुझे एक दिन का टाइम और दे दो। और वो दुकानदार बोलता है, तुम हर बार भाग जाते हो पैसे दिए बिना और बोलते हो कि मेरा अर्जेंट मिशन, आज तो पैसे चुकाने होंगे। तो मुजीनो बोलता है कि प्लीज मुझे एक दिन का टाइम और दो। तो बोल्टो बोलता है, अच्छा तो आपका पीछा किया जा रहा था, मुझे लग रहा था आप किसी का पीछा कर रहे हो। तो मुजीनो बोलता है, अगली बार जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं आपको अपने पैसे सारे लौटा दूंगा। तो वो बोलता है कि आज ही तो तुम्हारी सैलरी आई है? तो मुजीनो बोलता है, आज तो मैंने किसी बच्चे को दे दी, उसकी बहन बहुत ज्यादा बीमार थी तो उसको मैंने पैसे दे दिए। तो बोल्टो बोलता है, इतना ऑब्वियस झूठ बोलोगे तो कोई भी पकड़ लेगा आपको। तो हम लोग देखते हैं वो जो दुकानदार होता है मुजीनो की कॉलर पकड़ लेता है। मुजीनो बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात तो विश्वास करो। और हम लोग देखते हैं बोल्टो हंसने लग जाता है। बोल्टो बोलता है दुकानदार को कि प्लीज ये इतने बुरे आदमी नहीं है, बोल रहे हो तो आपका हिसाब चुका देंगे। तो वो दुकानदार बोलता है, तुम इसके दोस्त हो ना तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और इसकी जगह तुम उधार चुका दो। तो हम लोग कहते हैं, बोल्टो की भी आज सैलरी आई होती है। तो बोल्टो अपने सारे पैसे दे देता है, उसके पास कुछ चिल्लर ही बचते हैं। तो मुझे ना बोल्टो को थैंक यू बोलता है, बोलता है बोल्टो आज तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाता, मुझे इनका हिसाब चुकाना ही था कैसे ना कैसे करके, मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ। तो बोल्टो बोलते हैं, थैंक्स से काम चलने वाला नहीं है, मैं एक एक रुपये का हिसाब लूंगा आपसे। और ये बोल के बोल्टो वहाँ से जाने लगता। तो मुझे ना उसको पकड़ लेता और उसके पेट में हाथ लगाते बोलता है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाना भी खिला दो। तो हम लोग कहते हैं बोल्टो उसको थंडर बर्गर पर ले जाता और फाइनली बोल्टो के पास जो चिल्लर बचे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो बोल्टो बोलता है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना, आपने अपने खाने के पैसे भी एक गैनिन से दिलवाए, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तो मुझे ना बोलता कि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने कितने दिनों से कुछ खाना नहीं खाया था, तो अगर अपने मिशन पे चला जाता बिना खाना खाए तो मेरे को और ज़्यादा मुश्किल होती। तो बोल्टो बोलता, फिर तो आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको कौन और सेंसे से मांगनी चाहिए, वो तो आपके दोस्त है ना। तो मुझे ना बोलता, एक दोस्त से पैसे मांगना बहुत ज़्यादा अनएथिकल है, मैं ये नहीं कर सकता। तो बोल्टो बोलता, हाँ हाँ एक गैनिन से पैसे दिलवाना अपने खाने के वो एथिकल है, और दोस्त से पैसे मांगना अनएथिकल है, मुझे लगा था आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस, लेकिन आप ऐसे निकले मिस्टर मुझे। तो मुझे ना बोलता, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ, अब जो तुम बोलोगे मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बोल्टो बोलता, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, आप बस मेरे पैसे मुझे लौटा देना वापस। तो मुझे ना बोलता, ठीक है बोल्टो तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा आदमी जो अपने प्रॉमिसेस रखता है, मैंने बोल दिया तो मैं तुम्हें पैसे जरूर लौटाऊंगा। फिर वो जाते जाते बोल्टो से बोलता है, प्लीज़ बोल्टो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और हम लोग देते हैं वो बोल्टो को अपने घर पे ले आता है। तो हम लोग देते हैं मुजीनो के घर पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ घर होता है सिर्फ वहाँ पे, और कुछ भी नहीं होता, और वो काफ़ी टूटा फूटा लग रहा होता है। तो बोल्टो जब आता है तो वो देखता है कि फ्लोर जो होता है बिल्कुल सड़ा गला होता है, वो जैसे ही पैर रखता है फ्लोर नीचे दबने लगता है। तो मुजीनो उसको बोलता है, अपने पैर ढंग से रखना वरना तुम नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाओगे, ये जो फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो बोल्टो बोलता है, आपके पास इस घर के अंदर छत के अलावा और है क्या? आप सिर्फ इसको घर बोलते, बाकी ये कुछ भी नहीं है। तो मुजीनो बोलता है, ये फ्रीडम का एहसास दिलाता है, तुम्हें लगता नहीं है? तो बोल्टो बोलता है, फ्रीडम का एहसास वो कैसे? तो मुजीनो बोलता है कि जब तुम्हारे पास कोई चीज़ होती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास जब कोई चीज़ हो ही ना, तो तुम लोग देखते हैं मुजीनो अपनी खिड़की खोल के बोल्टो को दिखाता है। तो बोल्टो देखता है उसके खिड़की से सारे ग्रेट स्टोन फेसेस दिख रहे होते हैं। तो बोल्टो बोलता है, आपका व्यूज़ तो कितना बढ़िया आ रहा है। तो मुजीनो बोलता है, इसीलिए तो मैंने ये घर लिया है, तुम्हें पता है थर्ड उकागे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं उनको हमेशा अपना आइडल मानता हूँ, उन्होंने एक बार लगभग मेरी जान बचाई थी, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। तुम्हें पता है आजकल तो वॉर नहीं होती, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे तो वॉर होती थी, कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था वॉर के अंदर, उन्हीं में से एक मैं था, मेरे भी पेरेंट्स खो गए थे। पहले बच्चों को किडनैप किया जाता था और उनसे असैसिनेशन कराई जाती थी, यानी कि हत्याएं कराई जाती थी, उनमें से एक मैं था, मुझे भी थर्ड उकागे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। तुम लोग देखते हैं एक बार की बात है, जब थर्ड उकागे रेफ्यूजी कैंप पे आए हुए थे तो मुजीनो भी उन्हीं लोगों के अंदर जो भीड़ थी रेफ्यूजीज की उनमें मिला हुआ था, और थर्ड उकागे के गार्ड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे। तो मुजीनो थर्ड उकागे से बोलता है कि मैं भी फ्यूचर में शिनोई बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ? थर्ड उकागे बोलता है, तुम बिल्कुल बन सकते हो और मैं देखना चाहूँगा कि तुम कैसे शिनोई बनते हो। तो हम लोग देखते हैं मुजीनो और उसके दो साथी वहाँ पे पीछा करते करते थर्ड उकागे का उसकी कैबिन तक पहुँच जाते हैं। तो थर्ड उकागे अपने अंदर कुछ लिख रहा होता है रूम के अंदर बैठा बैठा, तभी उसे बाहर से आवाज़ सुनाई देती है उसके गार्ड्स की। तो बोलते हैं सब कुछ क्या हो रहा है? तो उसके गार्ड्स बोलते हैं कि ये बच्चा जो आपके लिए कुछ फूल लेके आया थर्ड उकागे। तो थर्ड उकागे उसको पहचान जाता है और बोलता है, तुम तो वही बच्चों ना जो मुझे सुबह मिले थे, आओ अंदर आओ।
तुम लोग इतने मुजीनो को अंदर बुला लेते और उससे पूछता है कि तुमने ये सारे फूल खुद तोड़े, तुम्हें तो काफी ज्यादा टाइम लगा होगा इनको सजाने में और इतने सारे तोड़ने में। तो मुजीनो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने आपके लिए सब कुछ किया। और हम लोग इतने वो खिड़की खोल देता और बोलता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, थोड़ी हवा अंदर आने देते हैं। तुम लोग इतने थर्ड उका के फूलों को रखने के लिए एक फ्लोर पर ढूंढने लगता है, तो ये पीछे से मुजीनो आता और उन फूलों में से चाकू उठा के थर्ड उका को मारने लगता है। तो थर्ड उका उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है मुझे पहले ही लगा था कि तुम एक असैसिन हो, क्योंकि तुम्हारी मूवमेंट से पैसे लेकर आता कि तुम्हें कोई ढूंढ देख रहा है, तभी तुमने वो खिड़की खोली थी, है ना। फिर हम लोग इतने थर्ड उका उसके गले पे एक कर्स मार बना होता, उसको देखता और बोलता है कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, है ना। ये कर्स मार किसी चीज़ का है कि ये जुस्सों कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मुजीनो के साथ वाले जो दो बंदे होते हैं वो उसको इतनी दूर से देख रहे होते हैं और बोलते हैं क्या हमने थर्ड उका को मार दिया। तभी हम लोग देखते हैं थर्ड उका बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता, और वो उस चाकू को अपने शोल्डर पे घुसवा लेता है और उसका खून आ जाता है। तो वो दोनों जने काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं फाइनली हम लोगों ने करी दिखाया। और वो लोग जैसे ही नीचे आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे थर्ड उका का शैडो क्लोन होता है और वो उन लोगों को बुरी तरीके से पीटता और बोलता है तुमने एक बच्चे को असैसिनेट बना दिया, तुम्हें मर्सी मिलने का कोई भी हक नहीं। और हम लोग थे वो अपने गार्ड्स को बोलता है इन लोगों को पकड़ लो और जेल में डाल दो। फिर हम लोग थे थर्ड उका जो होता है मुजीनो को गले लगा लेता है और बोलता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम बच्चों को डिस्पोजेबल वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि हम एडल्ट्स ने ऐसा वर्ल्ड बना दिया, इस सब की मेरी गलती है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर वो मुजीनो को अपना साइन किया हुआ एक लेटर देता है और बोलता है ये लेटर अपने साथ लेके जाओ, हिडनली विलेज वाले तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से अपना लेंगे, तुम विलेज में जाना, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा एक पोता है वो तुम्हारी एज का है, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी अगर तुम उसके दोस्त बनोगे। तो मुजीनो बोलता है उसका नाम क्या है, तो थर्ड उकागे बोलता है उसका नाम कोनामारू है। और हम लोग देखते हैं जब तक मुजीनो उसके विलेज में पहुंचता है तब तक थर्ड उकागे की जान जा चुकी होती है ओरिचिमारू वाले इंसिडेंट में। और मुजीनो देखता है कि कोनामारू काफी ज्यादा बेबस लग रहा होता है, बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके दादाजी चल बसे। तो मुजीनो बोलता है कि जिस बंदे ने मेरी जान बचाई थी उस बंदे ने अपने विलेज को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी है। और वो बोल्टो को बोलता है कि तब से ये थर्ड उकागे का साइन किया वो लेटर मेरे पास है, मेरे दिल के करीब है, मैंने आज तक ये किसी को भी नहीं दिया, और ये स्टोरी भी मैंने आज सिर्फ तुम्हें पहली बार सुनाई है, तुम्हारे अलावा ये स्टोरी भी किसी को नहीं पता। तो बोल्टो बोलता आपने बिग ब्रो कोनामारू को भी स्टोरी के बारे में नहीं बताया। तो मुजीनो बोलता तुम पागल हो गए क्या, कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर मैं उसको बताऊंगा कि मैंने उसके दादाजी को मारने की कोशिश करी, मैं उसको ये सब नहीं बता सकता। तो बोल्टो हंसने लग जाता है और बोलता है आप तो बोल रहे थे आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास ये कछुआ कहाँ से आया, मैंने इस कछुए पे नजर गई थी पहले। तो मुजीनो बोलते हैं एक बार एक फॉर्चून टेलर ने मुझे बोला कि मेरे दोस्त के ऊपर एक मौत का साया है, इसलिए उसने मुझे कछुआ दे दिया, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुमसे यही आसान मांगना चाहता था, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लेके आया था कि तुम इस कछुए का ध्यान रखना, मैं मिशन पे जा रहा हूँ कोनामारू के साथ एक टू मैन टीम पे, तो जब तक इसमें ना हो तब तक तुम इस कछुए को खाना वगैरह खिलाते रहना। तो बोल्टो बोलता है अच्छा ये वही अर्जेंट मिशन है जिसके बारे में मिस की बता रहा था कि कोनामारू सेंसे जा रहे। तो मुजीनो बोलता है हाँ यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ है, यहाँ पे सस्पिशियस प्लेन क्रैश हुआ है, तो मैं और कोनामारू उसी को चेक करने के लिए जा रहे। तो बोल्टो बोलता है ठीक है जब आप वापस आओ तो मेरे पैसे वापस चुका देना, आपकी वजह से मैं अपनी मॉम को लिए कोई गिफ्ट भी नहीं खरीद सका, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मुझे अब डैड से पैसे मांगने पड़ेंगे उनके गिफ्ट के लिए। तो मुजीनो बोलता मुझे माफ कर दो अगर मैंने उस बच्चे की मदद नहीं करी होती तो मैं तुम्हें पैसे वापस चुका देता। तो बोल्टो बोलता अब भी आप झूठी बोलोगे, आपको यकीन नहीं हो रहा मैं आपकी बातें मान सकता हूं अगर आप सच बता दोगे तो मुझे। तभी हम लोग अचानक से एक क्यूट सा बच्चा वहां पे आता है जिसके हाथों में फूल की टोकरी होती है, और वो मुजीनो को बोलता है कि आपका धन्यवाद, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं अपनी बहन का इलाज नहीं करा पाता, उसको कभी मेडिसिन नहीं दिला पाता। और वो मुजीनो को फूल की टोकरी देकर चला जाता है। तो बोल्टो बोलता है मिस्टर मुजीनो सच बोल रहे थे क्या, वो कहानी सच्ची थी, सच में इन्होंने अपनी पैसे सारे उस बच्चे को दे दिए। तो मुजीनो से बोलता है उस बच्चे को तो आप जानते भी नहीं, आपने उसकी मदद क्यों करी। तो मुजीनो बोलता है वो बच्चा झूठ ही बोल रहा होता तो ही मैं उसकी मदद करता, और वो सच ही बोल रहा तो ही मैं उसकी मदद करूंगा, यही तो हमारा फर्ज है, हम लोगों को बच्चों पर विश्वास करना चाहिए जैसे कि मेरे ऊपर विश्वास किया था। और फिर वो फूलों की टोकरी बोल्टो को दे देता और बोलता है कि तुम इसको एज अ प्रेजेंट दे देना अपनी मॉम को। तो बोल्टो बोलता है ठीक है आप बिग ब्रो कोनामारू का ध्यान रखना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कतास्के नारुतो और शिकामारू से मिलने के लिए आता है और उनको बोलता है कि जो आपने प्रोटोटाइप मुझे बोला था वो तैयार है, ये जो आपका प्रोस्थेटिक आर्म है वो मैंने खुद अपने आप से सोच से बनाया और मैं चाहता हूँ कि खुद लॉर्ड सेवंथ इसका ट्राई करे। तो शिकामारू बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कतास्के सुन के वहाँ से चला जाता है। तो नारुतो बोलता है मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा किया कतास्के को वापस उसकी पुरानी वाली पोजीशन देके, और मुझे लगता है अब इसको रिग्रेट भी हो रहा है कि इसने साइंटिफिक निंजा टूल की इन्फॉर्मेशन लीक करी हमारे विलेज से, लेकिन अभी तक शिकामारू तुमने ये नहीं पता लगाया कि इसको गेंजुत्सु के अंदर किसने डाला था, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो शिकामारू बोलता है कि वो जिसने भी इसको गेंजुत्सु में डाला था वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, हम लोग अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए, लेकिन हम लोग चिंता मत करो हम लोग उसके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तुमने प्रोस्थेटिक आर्म को कैसे टेस्ट करना पता किया। तभी नारुतो के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और उसको याद आता है कि बोरुतो ने उसको बोला था कि डैड आप जब मेरा हाथ ठीक हो जाए तो हम लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे। तो नारुतो बोलता है मेरे दिमाग में एक अच्छा सा पार्टनर है जिसके साथ मैं ये कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो घर पे जाता है उस फूलों के गुलदस्ते को लेकर और हिमावारी से बोलता है कैसा लग रहा है हिमावारी, मैंने ये फूल लाए हूँ, हम लोग तुम्हारे फ्लावर पॉट के अंदर डाल के मॉम को गिफ्ट देंगे, कैसा लगेगा हम दोनों एक जैसा गिफ्ट देंगे। तो हिमावारी बोलते हैं बिग ब्रदर आप कितना ज़्यादा सोचते हो ना, मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश जाएंगे हमारे गिफ्ट्स को देख के। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।